मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर 6:30 बजे के करीब वो दुर्घटना हुई। उसके बाद पूरे मोरबी में एक तरीके से मातम सा छा गया, क्योंकि 141 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और टीमें भले ही काम कर रही हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है कि आखिरकार जब वो पूरी घटना हुई तो उस समय क्या था। यही हम पूछने के लिए यहाँ पर हमारे साथ एक पूरी टीम है जो कि यहीं से कुछ 500 मीटर की दूरी पर रहती है। और ये सभी लोग जो हैं तैराक हैं एक तरीके से, पूरे जबरदस्त वाले। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे कि जब ये पूरी घटना हुई तो ये कहाँ पर थे और क्या हुआ, अचानक इन्होंने कैसे लोगों को बचाया और कैसा वो मंजर था, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। अली भाई, जब ये पूरी घटना हुई, आपका यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पूरी बस्ती है, मैंने देखा है मकरानी निवास, तो कैसे देखते हैं जब ये हुआ 6:30 बजे, तो कैसा मंजर था और आपको कैसे एकदम पता लगा? हमको वहाँ पे क्राइम ब्रांच का फोन आया था। अच्छा। तो हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर है, ये भाई है हमारे खत्रीवास वाले पास में, ये बगल में ही रहते, तो यहाँ से हम इधर इस लोगों ने भी दौड़ के आ गए, हम भी दौड़ के आ गए। तो फिर हमने सब पानी से निकाल रहे थे, यहाँ देखिए आप कोई एम्बुलेंस वगैरह यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो हम वहाँ से पानी से निकाल रहे थे। और हमारे ये खत्रीवास के भाई लोग है, वो अपने घर से गद्दे वगैरह चादर वगैरह ले लेके उठा उठा के हमने 1 किलोमीटर पानी से यहाँ तक पहुँचाए रोड पे। जो वाहन मिला, क्रूजर, इको, रिक्शा, जो मिला उसमें पहुँचा रहे थे वहाँ। तभी तक आधे घंटे तक तंत्र तो यहाँ पहुँचा नहीं था। अच्छा, कैसा वो मंजर रहा होगा, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, इतने सारे लोग अचानक एकदम पानी में गिर गए और पानी भी बहुत गहरा बताया जा रहा है। और उस टाइम जब वो गिरे तो मलबा उसके साथ गिरा, तो पूरा धूल जो थी वो धूल ऊपर आ गई उठकर, तो कैसा वो रहा कि आप अंदर गए होंगे, देखा होगा कैसा वो था? देखिए मैं तो पानी में नहीं गया था, जब हम यहाँ पहुंचे 15-20 लोग, तो आधे हम लोग पानी में गिर गए जो बचाने वाले थे। और बाहर भी जो इजाग्रस्त थे, वो इजाग्रस्त को हमने पहले उठा उठा के बाहर ले आए और यहाँ तक हम ले आते थे। यहाँ से हमारे ये खत्रीवास के भाई लोग युवा सब थे, वो पहले हमने इजाग्रस्त को बचाए, फिर पानी में जो जिंदा थे उसको बचाया, और बाद में जो मृत्यु हो गए थे वो रात को 2 बजे तक वो चालू रखा हमने। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपकी पूरी टीम है, तो कौन कौन भाई ऐसे यहाँ पर हैं जो अंदर गए होंगे? सारे सभी लोग ऐसे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर भाई, कैसा वो माहौल था जब आपने देखा होगा, क्या मतलब क्या दिल से आवाज आ रही थी निकल कर? बहुत चिल्ला रहे थे सब लोग, बचाओ बचाओ कर रहे थे सब, जो आदमी था वो उसको ले लेके उठा उठा के बचाते थे, जो पानी में गिर गया उसको हम बचाते थे। अच्छा, तो आपने जब ऐसा मंजर देखा तो उसके बाद तो नींद वींद तो बिल्कुल उड़ गई होगी सारी? साव नींद उड़ गया, भयानक हो गया था मंजर। आओ। अच्छा, बहुत भयानक मंजर, बहुत भयानक, मासूम बच्चे थे छोटे छोटे। अच्छा, तो डेड बॉडी कितनी आप सभी ने देखी होंगी, कितनी निकाली होंगी? हम तो जब हादसा हुआ उसके 10 मिनट में पहुंच गए थे, तो तभी जिंदा भी थे और जिंदा लोगों को बचाया, फिर रात को डेड बॉडी भी हमने 25-30 देखी है। अच्छा। हाँ, ये सब पानी में अंदर जा के निकाल रहे थे हमारे भाई, अख्तर भाई थे ये सब वगैरह थे, खालिद भाई थे, एक साथ में दो दो तीन तीन आदमी चिपक जाते थे, हमें बचाओ हमें बचाओ। अच्छा, हमें बचाओ। अख्तर भाई कैसा, खालिद भाई आपने कैसे देखा होगा जब, जैसे इन्होंने सर ने बताया कि आपने 3-4 लोगों को एक साथ पकड़ कर निकाला, कितना ज्यादा मतलब अंदर गहरा है और कितना होता? पानी तो बहुत अंदर गहरा है, और जब हम जाते थे तो रस्सा है ना, रस्सा पकड़ के वो खड़े रहते, और जब पास में जाए तो चोट जाते थे कि भाई हमें बचाओ हमें बचाओ। औरतें बच्चे बूढ़े कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत थे और महिलाएं बहुत ज्यादा, निकाला बच्चे का भी बहुत निकाला। अच्छा, तो क्या बच्चे तो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे वहाँ पर? उसको कंधे पे बिठा के लाए। अच्छा, तो मतलब जीवित लोग भी बहुत निकले हैं, 100 से ज्यादा हो गए जीवित, मतलब इतने लोग। हाँ, तो कैसे, चीख पुकार तो कानों में बज रही होगी? हाँ, वो तो बज रही होगी ना। नींद कैसे आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा मंजर देख के नींद कैसे आएगी भैया? अच्छा अच्छा, इस पर, इस पूरे मैटर पर अब राजनीति भी हो रही है, उस पर कैसे देखते हैं कि राजनीति इस पे होना सही है कि गलत है? नहीं, गलत है राजनीति में। हाँ? नहीं, राजनीति नहीं चलाएंगे हम। अच्छा। हम इंसानियत के लिए ऐसा काम करना है, हमको राजनीति कोई नहीं चाहिए। अच्छा।
हाँ ये देखो ये भाई, ये तो कैमरा इधर लो, आ जाओ इधर आओ। हाँ जी, हाँ बताओ सर। ये लोग है ने जो श्वास लेके, सबके मुंह में श्वास लेके ये लोग पानी निकाल रहे थे। हम लोग को तो देना नहीं आता है, हम लोग तो खाली उठाने वाले थे। ये लोग को मुंह में श्वास लेके, हिंदू हो या मुस्लिम, ये लोग कोई देखते थे, वो लोगों ने सब ने निकाला है। पहले हम इधर ही थे, जब धमाका हुआ ना हम तो इधर ही रहते, धमाका हुआ ना तब हम इधर ही, ये लोग आए क्योंकि हमको तैरना नहीं आता इसलिए हम पानी में नहीं जाते। ये लोग ने सबने ऐसे निकाला कि मुंह में सांस लेके सबके पानी निकाला। इतना दर्द का माहौल रहा, अब क्या लगता है, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे, क्या लगता है आखिर गुनाहगार इसका कौन हो सकता है? गुनहगार हम किसी को नहीं ठहरा सकते। हमने तो बस उस वक्त एक ही काम किया है, हम हिंदू मुसलमान सब इंसानियत के नाते, हमारा खत्री वर्ष के सब युवा, मकरानी वर्ष के सब युवा, सब सीधा काम में ही लग गए थे। हमें ना राजनीति देखी, ना धर्म देखना है, हमें कुछ नहीं देखना। हमने इंसानियत का काम किया है और इंसानियत का काम करते रहेंगे। मुसलमान के लड़के जब यहाँ से पहुँचे यहाँ पे, ये जो अख्तर भाई का आपने इंटरव्यू लिया ना, वो मछीवार है, वो पूरा दिन नदी में ही रहते हैं। और अभी जो ये रेस्क्यू चल रहा है ना, वो अभी जाओ यहाँ से, किसी को जाने नहीं देंगे। क्यों? जब ये हादसा हुआ ना, तब ये मोहल्ले वाले, यहाँ बगल वाले जो है ना, ये सब लोग ही पहुंचे थे पहले। अच्छा। कोई नहीं था पहले। ये बाजू वाले जो लड़के एक घंटे तक बोले, पूरा रेस्क्यू किया उसने। अच्छा। बरोबर 20 या 25 लड़के थे ये लोग। उसके पास को क्या है, वो ट्रक वाला जो ट्यूब होता है ना मच्छी मारने का, वो सब ट्यूब भी इसके पास है। हाँ, वो इसलिए ये लोग पहले पहुंचे थे। आप जाओ, अभी हमारे मोहल्ले के लड़के अभी भी अंदर है नदी में, अभी भी है। हम तो यहाँ पे खड़े है ना, आप जाओ वहाँ पे देखो, अभी भी लड़के वहाँ पे ही है। लेकिन अभी भी जाओ, हमको छुट्टी दो हमारे लड़के को कि अभी जाओ नदी के अंदर, अभी भी अंदर जाके निकाल सकते हैं। मतलब अभी भी अंदर है लोग, अभी जो ये रेस्क्यू चल रहा है ना, ये बोट लेके, वो लोग देखा आपने, कोई अंदर जाता है पानी में? पानी में नहीं जाता है, ऊपर बोट में से ही ढूंढते हैं। बोट में नहीं मिलता है भाई। हाँ, बोट में लाश नहीं मिलती है। वो तो जिसका घर वाला, जिसका बच्चा, जिसकी लड़की गई है ना, उसको मालूम होता है। ये लोग इसको दो अभी परमिशन के, जाओ अंदर जाओ आप, तो ये अंदर जाके डुबकी लगा के आएंगे। हाँ, अच्छा, आप कह रहे थे कि पूरा कब्रिस्तान बन गया था, जब पूरा बंजर बन गया था। अच्छा। इतना मतलब बुरा हाल था। मोरबी का बहुत बुरा हाल था। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि क्या इस पूरे मैटर का क्या वो है? मैटर बेटर का कुछ हम नहीं जानते है। ये हादसा हुआ, जो आदमी गए हिंदू मुस्लिम, वो बहुत नुकसान हुआ है। तो आपने देखा, ये लोग थे एक तरीके से कहा जाए तो खुदा के बंदे, और इन्होंने अपनी जान लगा दी लोगों को वहां से निकालने के लिए, और पूरा जान लगाने के बाद इन्होंने वहां से लोगों को बचाया और उसके बाद ये हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो आपने ये खबर देखी, आपको कैसी लगी, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।